में भी आज बिहार बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी NRC और नागरिकता कानून को लेकर राजद द्वारा आयोजित बंद के समर्थक सुबह से ही सड़कों पर उतर गए हैं और बंद का आह्वान कर रहे हैं। राजद के अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष अब्दुल सत्तार और यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अफाक खान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने NH-28 जाम कर बवाल काटा और ट्रकों को बीच सड़क पर खड़ा कर घंटों जाम कर दिया। जाम के दौरान कार्यकर्ताओं ने घंटों नारेबाजी की। NH-28 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। यहां राजद जिलाध्यक्ष रियाजुल हक राजू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और शहर के जंगलिया मोड़ पर सड़क जाम कर घंटों जाम रखा और आगजनी की। प्रदर्शनकारी आजादी आजादी के नारे लगाते रहे। यहां जहां जहां बंद समर्थक सड़कों पर उतर हंगामा कर रहे थे, सभी जगह आजादी आजादी के नारे ट्रेंड कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के आदेशानुसार राष्ट्रीय जनता दल में गोपालगंज ने पूर्ण संपूर्ण बिहार को बंद कराने का काम किया है। आज कैप और NRC जो जबरदस्ती लागू किया गया है काला कानून, उसके विरोध में ये राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है। हम गोपालगंज के तमाम नौजवानों, कार्यकर्ताओं, आम जनता को अपने तरफ से बधाई देता हूँ कि आज के बंदी सफल बनाया, जो लोगों ने हजारों हजार लड़कों ने रोड पर उतरने का काम किया, इसके लिए हम बधाई पात्र हैं। CAB के बंद में सबसे बड़ा समर्थन जो राजद के लोगों ने किया इस बंद को, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं। बंद सफल रहा, पूरा बिहार में जितना मजबूती से बंद हुई है इसके लिए हम लोग आभारी हैं और सारे लोगों को मैं बधाई देता हूं। बिहार बंद सफल बनाने में उन लोगों का योगदान रहा। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।